मध्य प्रदेश के जिला उमरिया स्थित ईदगाह में मंगलवार को सुबह 9 बजे ईद की नमाज जामा मस्जिद के पेश इमाम द्वारा अदा कराकर मुल्क व जिले की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली की दुआ की नमाज की। आपको बता दें, बाद में सभी मुस्लिम भाई एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। वहीं ईदगाह में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, SP प्रमोद कुमार सिन्हा, तहसीलदार को जामा मस्जिद के सदर व सदस्यों ने माला पहनाकर पर्व की बधाई दी। ईदगाह परिसर में जहाँ बड़े बूढ़े नए वस्त्र कर नमाज पढ़ते नजर आए, तो वहीं बच्चों में भी अपार खुशियां देखी गई और नए कपड़े पहने बच्चों ने भी ईद पर्व की बधाई दी। इसी प्रकार गले मिलकर ईद मुबारकबाद देने के साथ साथ मुस्लिम भाइयों द्वारा अपने अपने घरों में मीठी सेवई खिलाने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। आपको बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर पेश इमाम ने भाईचारे का संदेश देते हुए देश में खुशहाली अमन चैन की बात कही। सुकुमरिया का ऐसा इतिहास रहा है कि यहाँ सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई विपरीत परिस्थिति सामने आएगी। फिर भी हमारे बल मुस्तैद है और असामाजिक तत्वों को कोई भी गड़बड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने 2 साल के बाद इस साल मौका मिला ईद उल फितर की नमाज अदा करने का, जबकि बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला अपने हबीब के सत्य में हमारे मुल्क में अपने साथी अदा फरमाए, इस मुल्क को तमाम नजरें बस में अपने को मामूल फरमाए। और संदेश देता हूँ कि हम सब भाई भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक साथ हम लोग रहते हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। 2 साल कोरोना काल में हम लोगों की ईद की नमाज हुई ही नहीं, हम लोग अपने घरों में तन्हा अकेले अकेले नमाज अदा किए। आज हमारा समाज, हम सब बहुत खुश हैं कि कोरोना यहाँ से रुखसत हुआ और हम लोग खुशी खुशी ईद मना रहे हैं सब मिलजुल के। आज अक्षय तृतीया भी है, अक्ति का भी त्यौहार है, परशुराम जयंती भी है और हम लोग सब एक दूसरे के गले मिलेंगे, बधाई देंगे और खुशी खुशी त्यौहार मनाएंगे। सभी भाइयों को, हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को बुलाएंगे, मिठाइयाँ खवाएंगे, सेवैयाँ खवाएंगे और गले मिलेंगे और इसी तरह से दिल में भी मिठाइयाँ घोल देंगे। हम सबको ईद की मुबारकबाद देते हैं। हमारा शहर गंगा जमुना तहजीब रहा है और यहाँ सब लोग मिलजुल कर हर त्यौहार मनाते हैं और इस पर्व पर प्रशासनिक व्यवस्था बहुत जोरदार रही। ईद उल फितर, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया, ये तीन त्यौहार जो हैं एक साथ अररिया जिले में मनाए जा रहे हैं। तीनों त्यौहार हर्षोल्लास के साथ और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं। इससे हमें कोई विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के हिसाब से हमने पहले से आकलन कर रखा है और हमने कुछ फोर्स बाहर से भी बुलाया है, बाहर का फोर्स और प्लस हमारे पूरे जिले का फोर्स, इसका हमने सभी जो सेंसिटिव टिकट्स हैं उस पर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। इसके अलावा एडिशनल पेट्रोलिंग मोबाइल्स जो है वो हमारी तैनात हैं और सेक्टर वाइज भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही हमारे पूरे जो वज्र और मौसम भी एकदम तैयार हालत में है। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, परंतु अगर आएगी तो हम उससे निपटने के लिए। सर, कितने एसएसटी जोन ऐसे जिले में सब चिन्हित किए गए? ये संख्या के रूप में बता पाना उचित भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है कि मैं उसको डिस्क्लोज करूँ, परंतु जो भी हमारे इस तरह के कभी जिसके कोई भी छोटा मोटा भी अगर पुराना इतिहास रहा हो या फिर मिश्रित आबादी वाले इलाके रहे तो उसको हमने सेंसिटिव मानते हैं और जो पूरा हमारा जो जुलूस का मार्ग है उसको सेंसिटिव मानते हुए हमने। थैंक यू।